मैं सबसे पहले तो बोर्ड वाले के सारे स्टाफ को तो बधाई देना ही चाहूँगा, लेकिन इससे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, उप मुख्यमंत्री जी का, शिक्षा मंत्री जी का, मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार गृह विभाग, अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार स्कूल शिक्षा विभाग, पुलिस महानिदेशक हरियाणा, पुलिस महानिदेशक राज्य स्तर का ब्यूरो और विभाग, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था CID व प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मैं विशेष तौर पर सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस परीक्षा को नकल रहित करवा कर संचालित करवाने में हमारा बहुत उन्होंने साथ दिया, सहयोग दिया, जिसकी वजह से हम इस उपलब्धि को हासिल कर पाए, अन्यथा एक हमारे लिए चैलेंज होता बहुत। अब किस तरह का शेड्यूल रहेगा सर, जो एग्ज़ाम है वो परीक्षार्थियों ने दे दिए हैं, अब उसका उनका जो भविष्य है वो आप लोगों के हाथ में, किस प्रकार से जो पेपर है वो दीवानी बोर्ड तक पहुँचेंगे, किस तरह से अब उनकी चेकिंग होगी सर, किस पूरा थोड़ी जानकारी दीजिए। हमारी एक सेट प्रक्रिया है और किसी तरह की कोई त्रुटि परीक्षा में या चेकिंग में नहीं रह जाए तो उसके मल्टी लेवल और मल्टी टास्किंग एक सिस्टम के दौरान उनको हम चेक करते हैं, रिज़ल्ट कंपैरिजन करवाते हैं, एक बार चेक करते हैं, फिर दोबारा वो चेक होते हैं, फिर एक मिसमैच होता है, और सिक्योरिटी सिस्टम के लिए हमने हर तरह के पुख्ता इंतजाम कर रखे ताकि किसी तरह की भी कोई भी गलती बोर्ड के लेवल पर ना हो और सभी जितने भी परीक्षार्थी हैं उनको एक पूर्णतः न्याय मिले 100%। अभी उनको हमने इनवाइट कर रखा है कि वो अपने जल्दी से जल्दी कल शाम को हमारे यहाँ, आज शाम को ही किट डल जाएगी और उसके बाद वो तुरंत उस पर देखकर अगर उनके कोई ऑब्जेक्शन है किसी प्रश्न को लेकर तो वो तुरंत जो भी दिशा निर्देश है उनके तहत वो अपना शुल्क जमा करा के अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ 3 दिन के अंदर अंदर और उसके बाद हमारे एक्सपर्ट्स आएंगे, उनको जांचेंगे, जिनकी आपत्ति सही पाई जाए उनकी जो फीस है वो वापस कर दी जाएगी और जिनकी नहीं पाई जाएगी उसको बोर्ड जब्त कर लेगा। ज़रूरी चीज़ें हैं अगर पेपर में कोई दिक्कत ना आए ताकि, जहाँ तक सिक्योरिटी का इंतज़ाम बोर्ड के अंदर है तो इसके अंदर हमें पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग है, हमारे अपने सिक्योरिटी रूम्स एंड कंट्रोल रूम्स हैं, चारों तरफ CCTV कैमराज लगे हुए हैं और कोई भी व्यक्ति उसके अंदर उसे भेद नहीं सकता, इस तरह के हमने पुख्ता इंतजाम बोर्ड में किए हुए हैं। सर, हरियाणा सरकार PGT की वैकेंसी भी निकाल चुकी है और स्टेट की परीक्षा भी आज हो चुकी है, तो क्या माना जा सकता है रिजल्ट कब तक आएंगे, क्या ये परीक्षार्थी जो पास होंगे क्या ये भी जो अभी फ़िलहाल जो परीक्षा फॉर्म निकले हैं क्या वो भर पाएंगे, क्या माना जा सकता है सर? हमारा प्रयास है कि रिज़ल्ट को बहुत जल्दी से जल्दी दिया जाए। पिछले साल हमारे पास 1,87,000 के करीब कैंडिडेट थे, इस बार 3,05,718 कैंडिडेट हैं। तो पिछले बार हमने 40 दिन में रिज़ल्ट दिया था, लेकिन इस बार हम चाहते हैं कि इसको बहुत जल्दी से जल्दी शॉर्ट करके, डबल शिफ्ट करके, नंबर ऑफ मशीन्स बढ़ाकर इसको जल्दी से जल्दी डिक्लेयर किया जाए। और ये विद्यार्थी जिन्होंने इस बार HTET परीक्षा दिया, हम चाहेंगे कि ये भी उस जो भर्ती प्रक्रिया के अंदर ये शामिल हो सके। सर, क्या अंदाजा लग रहा है कि आप कितने दिनों में रिजल्ट जो है वो निकल जाए, कोई अंदाज़ा क्या लगाया जाए सर? अंदाज़ा ये कि अब पिछले बार तो हमने 40 दिन दिए थे और इस बार कैंडिडेट भी कम से कम 1,00,000 के करीब और ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको अश्योर करता हूँ कि पिछले बार जितना समय लिया था उससे कहीं पहले हम इसको कोशिश करेंगे डिक्लेयर करने की।